देवनगरी के नाम से विख्यात दौसा का इतिहास भी इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। पूर्व में यहाँ बड़ गुजरों का शासन था, लेकिन बाद में कछा वंश के संस्थापक दूल्हे राय ने बड़ गुजरों को हराकर अपना राज्य स्थापित किया, जिसके बाद दौसा को ढूंढार प्रदेश की प्रथम राजधानी भी बनाया गया। वहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें, जब से देश में लोक चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है तो 1952 में राजस्थान विधानसभा का पहला चुनाव हुआ और दौसा से शेरे राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध रहे रामकरण जोशी विधायक बने। उस दौरान दौसा और लालसोट मिलाकर एक विधानसभा सीट हुआ करती थी। आज हम बात करेंगे नेताजी के एग्जिट पोल में दौसा की। हम आगे बढ़ते हैं और आपसे मिलवाते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों को, क्या कहते हैं वो दौसा के विधायक के कार्यकाल को लेकर। दौसा के स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। जो विधायक का कार्यकाल है वो 5 साल का पूरा हो चुका है, तो जो वादे किए गए थे आप लोगों से, क्या वो पूरे हुए या नहीं हुए, या कितने वादे बाकी हैं अभी भी जो होने चाहिए? देखिए, ये कांग्रेस सरकार द्वारा जो वादे किए गए हैं और आम पब्लिक में जो किए गए रोडों के विषय में, औरों के विषय में, तो वो कोई व्यवस्थाएँ सही नहीं हुई इनकी। वो व्यवस्थाएँ इसे सही नहीं हुई कि जैसे कहीं सिविल लाइन खुदी पड़ी है तो कहीं अपने रोडों पे गड्ढे हो रहे हैं। जैसे आप सामने ही देखिए, इधर आप कैमरा का फोकस करेंगे तो देखो ये मेन रोड है, टच है, इधर से कोई व्यवस्थाएं सही मतलब नहीं है। और आने वाले चुनावों में जैसे एमएलए साहब ने वोट मांगे, कहा कि भाई ये हमारी सरकार ये करेगी वो करेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होकर एक पब्लिक में जोश उमंग ख़त्म है। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले सर्किट हाउस पर कांग्रेस की मीटिंग हुई, मीटिंग में एमएलए साहब के मतलब स्थानीय लोगों ने लगाया कि मुरारी भगाओ देश बचाओ, इस तरीके के नारेबाजी थे वहाँ, इस तरीके की एक्टिविटियाँ थी, वो एक्टिविटियाँ पब्लिक परेशान थी तो ही थी। मतलब बात ये नहीं है, बात मुरारी जी से नहीं है, बात उसने बात सरकार से है। सरकार को चाहिए कि जो आम पब्लिक से वादे किए हैं, जो निम्न तबके का लोग है, जो कि किसी चीज़ को लेकर इनके पास जाए, बातचीत करे तो सुने करें, और उच्च स्तर का आदमी तो अपने हिसाब से लेवल से व्यवस्था करेगा, निम्न स्तर का आदमी तो अपने गवर्नमेंट पे डिपेंड है। जो स्कीमें हैं वो स्कीमें मतलब पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए और बात होनी चाहिए, जिस वर्ग का जो फायदा है वो फायदा उस वर्ग को हो। तो क्या और समस्या है दौसा की जो पूरी? देखो, दौसा की समस्या तो इनको मालूम, लेकिन मेरा गाँव कुंडल है, कुंडल में कांग्रेस सरकार ने काफ़ी कार्य किया है। जैसे कुंडल है ना, जो पहले बीजेपी सरकार में उप तहसील का वादा वो भी नहीं किया था बीजेपी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने उसको उप तहसील बना के तहसील बनाया। तो कांग्रेस सरकार काफ़ी काम करवाई है कुंडल गांव के हिसाब से। आप बताओ क्या ऐसा वादा है जो दौसा के हित में था? दौसा में तो मेन पानी की ज़्यादा समस्या है। पानी अगर हुआ तो दौसा सही है, और ऐसे तो कोई भी गवर्नमेंट आओ जो करती है विकास हो तो होता अभी, है अभी पानी की दौसा शहर में क्या स्थिति है? बहुत खराब स्थिति है दौसा शहर में। दौसा शहर में बहुत गंदी बात है पानी की। अभी पानी की मेन समस्या पानी की है। दौसा में अगर पानी होगा तो ये स्थानीय लोग है जहाँ जो समस्याएं की बात करें तो कई जगह से जो काम काज थे वो ठीक बताया जाए, लेकिन पानी एक दौसा का सबसे बड़ा मुद्दा है। और यह पानी का मुद्दा आज का नहीं है, सदियों पुराना है। जब भी यहाँ चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा के हों या लोकसभा के हों, पानी हमेशा मुद्दा बनता है। नेता हमेशा पानी लाने की बात करते, लेकिन आज तक दौसा की जनता को पानी नहीं मिला। ऐसे में दौसा की जनता चुनाव को लेकर हमेशा ठगासा महसूस करती, लेकिन इस बार भी पानी ही बड़ा मुद्दा यहाँ बनने वाला है। आज महिलाओं से बात करते हैं दौसा विधानसभा क्षेत्र को लेकर, कि उनकी क्या समस्या है, क्या उनकी कोई समस्याएं दूर हुई। हालांकि सबसे बड़ी जो महिलाओं की समस्या रहती है वो कानून व्यवस्था को लेकर रहती है, तो क्या वो महसूस करती है दौसा के कानून व्यवस्था को लेकर? हम लोग दौसा की जो महिलाओं की स्थिति है, क्योंकि हम खुद ही कानून के पेशे से हैं, एडवोकेट्स हैं, लेकिन फिर भी कहीं पे भी हम लोग रात को निकलते हैं तो सुरक्षा का भय बना रहता है कि देर रात तक हम कहीं नहीं निकल सकते। उसके लिए कानून की हमारी कुछ अव्यवस्थाएँ हैं, कानून में कुछ संशोधन होना चाहिए, जहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स फेस होती है कि किसी कोई भी इस तरह की हरकत करता है देर नाइट भी, तो उसके लिए ये होना चाहिए, क्या नाम से, कानून इतना मजबूत होना चाहिए कि उसको अच्छी तरह सज़ा मिल जाए, तो भविष्य में कोई ऐसा कर ही नहीं पाएगा।
क्योंकि लड़कियों का निकलना ही दुर्भर हो रहा है, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो। महिलाओं का कोई भी सुरक्षा की दृष्टि से देखे तो देर रात महिलाएं निकल ही नहीं पाती हैं, ना तो बसों में यात्रा कर सकती हैं, ना ही किसी के साथ जा सकती हैं, ना ही पर्सनल व्हीकल अपने लेके जा सकती हैं। कहीं ना कहीं ये होता है कि महिला सुरक्षा की दृष्टि से अभी हमारे जिसमें महिला सुरक्षा होनी चाहिए उतनी अभी है नहीं। यहाँ पे कानून में संशोधन होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। और गहलोत सरकार ने जो महिलाओं के लिए कार्य किया है वो सराहनीय है, तो मैं तो निवेदन करूँगी कि गहलोत सरकार से भी और भी इस तरह की व्यवस्थाएं करें, जो भी सरकार आए वो भी महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से कुछ कानून में संशोधन करें, तभी हमारी महिलाएं बराबर का दर्जा पा पाएंगे पुरुषों के। आप क्या मानती है महिलाओं की क्या परेशानियाँ? परेशानियाँ तो बहुत सी रह पाती है महिलाओं के लिए, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, कई बार परिवार में भी करना पड़ता है और कई बार बाहर भी करना पड़ता है। ज़्यादातर बाहर के लोगों से परेशानी आती है, जब बाहर निकलती है लड़कियों को तो काफ़ी फेस करना पड़ता है, कभी कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को बाहर निकलना पड़ता है। महिलाओं को बहुत सी बंदिशें में रखा जाता है, तो बंदिशों को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आप क्या मानती हैं कि विधायक को आपके लिए क्या करना चाहिए था जो नहीं कर पाए? सर, एक तो महिलाओं के लिए कानून व्यवस्था बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि महिलाओं का शाम होते ही वो एक बार ऐसा सोचती है कि 10 बार सोचती है घर से निकलने से पहले कि हम निकले कि नहीं निकले, क्योंकि उन्हें ऐसी घटनाओं का जिक्र करना पड़ जाता है, कभी कभी सामने आ जाती है ऐसी घटनाएं कि वो 10 बार सोचती है घर से निकलने से पहले। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगी इस गवर्नमेंट से कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए, जिससे कि उनको अपने खुद को सुरक्षित महसूस कर सके और महिलाएं खुद को सुरक्षित पा पाए। महिलाओं की हमारे समाज में काफ़ी भागीदारी होती है, महिलाएं एक और जहाँ घर चलाती है तो आज प्रोफेशन भी कई तरह के वो करती हैं। हमारे साथ और भी महिला अधिवक्ता, इनसे बात करते हैं महिलाओं की क्या परेशानी है। महिलाओं घर भी चलाना पड़ता है तो घर चलाने में कितनी परेशानी आती है और सुरक्षित कितनी महसूस कर रही है दोस्तों के दौरान? महिलाओं को घर भी चलाना पड़ता है, अगर कोई प्रोफेशनल महिला अगर कोई जॉब कर रही है तो उसको बाहर भी जाना पड़ता है, ठीक है, वो दोनों काम मैनेज करके चलती है, बट उसको ना तो वो कई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पर ऐसी भी होती है जिस आधी देर नाइट को जाना पड़ता है, आधी रात को कहीं बाहर जाना पड़ता है तो वो वहाँ पर नहीं जा पाती कई कई बार, कई कई बार फैमिली के बिना भी बाहर रहना पड़ता है, तब भी कई बार स्थिति ऐसी देखनी पड़ती है जो आजकल के मतलब नौजवान हो रहे हैं, ठीक है, तो वो कुछ भी बोलते हुए जाएंगे या फिर गंदी नज़रों से देखेंगे, तो उस प्रकार की कई समस्याओं का सामना महिलाओं को हर जगह करना पड़ता है। घर में भी कई चीज़ें ऐसी फेस करनी पड़ती है, आजकल हम न्यूज़ सुनते हैं कि घर में भी महिलाएं कई बार सुरक्षित नहीं रह पाती। घर चलाने के लिए महिला अहम होती है और महिला ही है जो घर चलाती है, लेकिन कानून व्यवस्था महिला विशेष मानी जाती है। कानून व्यवस्था अगर महिलाओं को प्रॉपर तरीके से नहीं मिली तो वो असुरक्षित महसूस करती है। हमने जिन अधिवक्ताओं से बात की, ये महिलाएं हैं और ये दौसा कोर्ट की अधिवक्ता हैं, इनका मानना है कानून व्यवस्था में यहाँ सुधार होना चाहिए ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सके, देर रात्रि तक भी अकेले निडर होकर वो बाहर निकल सके। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों ने जनता से कई वादे किए थे, वो वादे कितने पूरे हुए और कितने बाकी है इसको लेकर हम आज खड़े हैं दौसा सब्जी मंडी में, जिन व्यापारियों से बात करते हैं जो पिछले लंबे समय से यहाँ अपनी सब्जियाँ बेचने का काम करते हैं। आप बताओ कितने वादे विधायक के पूरे हुए? कई वादे तो पूरे हो गए, कई बाकी जैसे पानी का वो है, रोडें हैं, लाइटें हैं, कई जैसे प्रशासन ने बिल्कुल चौपट पड़ा है, अपराधी काम ज़्यादा हो रहे हैं, पहले गए 5 साल फिर भी सुख शांति थी, ये कई तत्व समाज के हैं तो दादागिरी करते हैं, यानी समाज सुधार का काम नहीं किया उन्होंने। और दूसरी बात, प्रशासन का कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया, ये प्रशासन हर इंसान के साथ लगे, बाकी सरकार सही है मगर कई जगह विधायक इनके ज़िले में हैं तो विधायकों की वजह से सरकार थोड़ी गिरने को जा रही है, और सरकार तो वैसे सही काम कर रही है, सरकार को कोई दोष नहीं है, मगर विधायकों की जैसे कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि जो विधायक अपने सरकार को ऊँची स्तर पर ले जा सके। ये सब्जी विक्रेता का कहना है कि सरकार बेशक अच्छा काम कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं विधायकों के कामकाज में कमी है। हमारे साथ और भी जो सब्जी खरीदने वाले लोग उनसे बात करते हैं, क्या लगता है आपको कि जो 5 साल का कार्यकाल निकला है विधायक का उसमें काम पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, वादे बाकी हैं, क्या समस्याएँ? तो राजस्थान विधानसभा के चुनाव ये 2018 में, उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे वादे किए। हमारे दौसा के विधायक मुरारी लाल जी ने वादे किए, एक तो दौसा में पानी की समस्या है जिसका निदान पिछले विगत 30 वर्ष हो गए, मतलब आज भी कई कॉलोनी ऐसी है जहाँ लाइन पहुँची नहीं है और
पहुंची भी है तो 10-10 दिन में पानी आता है। मैं गोविंद नगर का रहने वाला हूं, तो वहां 10 दिन में मात्र 40 मिनट पानी आता है, तो 10-15 लोग हैं तो 40 वो पानी आता है, उसमें कैसे अपनी आत्मनिर्भरता कम करें। मतलब पानी एक आदमी को 100 लीटर मिनिमम चाहिए कम से कम, तो वो एक तो ये, और लाइट की व्यवस्था बहुत गड़बड़ा रही। जिला हेडक्वार्टर है फिर भी यहाँ लाइटें कटौती होती, कभी रात को चल जाती है, 2-2 घंटे में नहीं आती है बिल्कुल। और तीसरी, सड़कें हैं तो लोकल में तो सही है, लेकिन गाँव में ऐसी सड़कें हैं कि आम आदमी चल नहीं सकता रोडों पर। काम सही कर रही है, जो वादे भी किए हैं इन्होंने 80% गवर्नमेंट ने पूरे किए हैं, संकल्प में, संकल्प यात्रा दिन की जो संकल्प पत्र था उसमें। लेकिन एक संविदा कर्मियों का जो इन्होंने वादा किया था कि परमानेंट कर देंगे, वो आज तक नहीं किया। गवर्नमेंट करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अगली कैबिनेट बैठक तो उस कैबिनेट बैठक का वो अभी आया नहीं है। और दौसा के जो विधायक है वो सही है, वैसे काम कर रहे हैं। पानी, बिजली, सड़क मुद्दे निकल के आ रहे हैं सामने, पानी की बड़ी समस्या निकल, हमारे साथ और भी लोग इनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको, 5 साल का जो कार्यकाल बीता है विधायक का, उसका कार्यकाल अच्छा रहा है या कई कमियां रही हैं, या और जो वादे थे पूरे नहीं हुए? ये जो कार्यकाल है अपने मुरारी लाल जी मीणा का, जो कार्यकाल तो है वो अच्छा है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो लोगों के साथ कुछ ज़्यादा घटित हो रही है, तो उनका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया है। जैसे कि आप ले सकते हो कि सब्जी मंडी की समस्या है, तो सब्जी मंडी में आप देख सकते हो कि किस तरीके से पानी यहाँ पे कितना हो चुका है। यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, ना लाइट की इतनी कोई सुविधा है, ना कोई शौचालय, लेटरिन बाथरूम, कचरे पात्र वगैरह किसी भी चीज़ की यहाँ पे आपको सुविधा नहीं मिलेगी। आप जैसे कि देख सकते हो कि आप देखोगे आगे जाके कितना पानी भरा हुआ है गलियों में, कि लोगों का आना जाना भी नहीं हो सकता है। और टीन सेट यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इसके अंदर पानी ऊपर से बारिश आती है तो पानी गिरता है, तो दुकान वालों को भी काफ़ी समस्याएं होती है। तो इसके लिए नगर परिषद से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हमारी जो समस्या है लाइट की और ये शौचालय की, प्लस ये जो रोड नहीं बना हुआ है यहाँ पे सब्जी मंडी के अंदर, इसका भी रोड का भी निर्माण किया जाए। सब्जी विक्रेताओं की समस्याएं अपनी हैं, इनका कहना है कि सब्जी मंडी में जो सड़क है वो पूरी तरह खराब है, यहाँ जब भी बारिश होती है पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है, ऐसे में जो सब्जी लेने वाले लोग हैं उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ और भी सब्जी विक्रेता है, इससे बात करते हैं। क्या लगता है आप लोगों को कि आपकी क्या समस्याएं हैं, ये तो दूर नहीं हो पाई, जो वादे किए थे विधायक ने वो पूरे हुए? अभी विधायक ने जो वादे किए थे वो तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ बाकी हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो आधा बन गया, आधा बाकी है अभी है। और बाकी आपको बताया भी राहुल भाई ने कि भी यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, निकास की कीचड़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। सब्जी विक्रेताओं की कई समस्या है, हालांकि उन्होंने कहा कुछ वादे विधायक ने पूरे किए, लेकिन दौसा शहर की बिजली, पानी और सड़क मुख्य समस्या। हालांकि जो मुख्य मार्ग है उनकी सड़कें ठीक हैं, लेकिन जो अंदर गलियों की सड़कें हैं या मोहल्ले कॉलोनियों की सड़कें हैं वो बेहद ख़राब बताई जा रही है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या विधायक ने जो जनता से वादे किए थे वो पूरे किए या नहीं किए, ये जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल जनता विधायक को नंबर देने की बात करें तो बेहद कम नंबर दे रही है। दौसा की धरती ने एक से एक दिग्गज नेता दिए, जिन्होंने देश के राजनीति के मानचित्र पर दौसा का नाम स्थापित किया, जिनमें नाम शुमार है पंडित नवल किशोर शर्मा, रामकरण जोशी, राजेश पायलट और डॉक्टर क्रोड़लाल मीणा। हम दौसा विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पिछले जो विधायक हैं वर्तमान में मुरारी लाल मीणा के कार्यकाल को लेकर बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं वो कानूनविद जो कोर्ट में आने वाले पीड़ितों को न्याय दिलवाते हैं। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि कानूनविद जब किसी बात को कहेंगे तो निश्चित रूप से उस पर सच्चाई की मोहर लगेगी। किस तरीके का कार्यकाल हम माने दौसा विधायक का? कार्यकाल संतोषजनक नहीं है, यहाँ का भी नहीं है और प्रदेश सरकार का भी नहीं है। प्रदेश में रोजगार की जो गारंटी देने वाली सरकार नाकाफी रही, किसानों का कर्ज आज तक माफ़ नहीं हुआ, किसान पीड़ित है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। दौसा विधानसभा, दौसा जिले में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार, हत्या के जबरदस्त अपराध बढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था धराशायी हो गई है। रोज दौसा शहर में ताले टूट रहे, मकानों के जीवन दुभर हो गया लोगों का और स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है। क्या मुद्दे विधायक ने चुनाव के दौरान दिए थे जो पूरे नहीं हुए?
देखिए, जहाँ तक स्थानीय विधायक मुरैल लाल जी की बात करें, जब ये शुरू में चुनाव लड़ 2018 के समय जब इन्होंने पहली जो अपनी जो मांग सूत्र रखा था उसमें इन्होंने कही थी कि सबसे पहले ये जीते ही दोसा में ईश्वरदा का पानी लेके आएंगे। जो आज इनका पूरा कार्यकाल होने को आया, पूरे 5 साल होने को आए, लेकिन आज तक दोसा में कोई वो ईश्वरदा का जो प्रोजेक्ट था वो जो गत वसुंधरा सरकार में था वहीं आज रुका पड़ा है। उसमें आगे किसी प्रकार का कोई बढ़ावा नहीं हुआ, ना ही कोई शिक्षा में कोई विशेष जिला मुख्यालय पे कोई और बढ़ोतरी हुई है, किसी प्रकार का कोई युवाओं के रोजगार के लिए जिला राजधानी के सबसे पास वाला जिला होने के बाद भी यहाँ किसी प्रकार के कोई उद्योग क्षेत्र गई वसुंधरा सरकार में एजुकेशन हब के लिए दोसा को प्रोजेक्ट किया गया था, उसमें कांग्रेस सरकार ने कोई प्रारूप नहीं लिया, कोई इसमें कोई कदम नहीं उठाया, आज भी दोसा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। क्या होना चाहिए दोसा के अंदर, क्या कमियाँ लग रही है? दोसा में राज्य सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं पिछले 4 साल के अंदर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अभी जो चुनावों के अंदर जो मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने जो सड़कें बनवाई हैं वो भी इन्होंने अपने हिसाब से बनवाई हैं, जब बननी चाहिए थी वहाँ नहीं बनवाई हैं। बिजली के बारे में देखें आप तो बिजली का इन्होंने केवल नाटक किया है कि भाई 100 यूनिट का जो है इन्होंने जो पब्लिक को दे रखा है बेवकूफ़ बना रखा है। इस वक्त ना किसानों को बिजली जा रही है नहीं कहीं जा रही है, फिर भी बिजली की जो है अघोषित कटौती हो रही है, न पानी मिल रहा है, 7-7, 8-8 दिन में पानी आ रहा है और पानी आ रहा है वो भी बेकार आ रहा है, केवल मात्र अखबार में फ़ोटो खिंचवाने के लिए और मुद्दों को से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने जो कार्रवाई की रखी है वो केवल चुनावों को देखते हुए कर रखी है और कुछ नहीं कर रखा है। स्थानीय विधायक के कार्यकाल को लेकर आप कितना संतुष्ट हैं, क्या उन्होंने किया, क्या जो वादे किए वो पूरे किए? देखिए, स्थानीय विधायक ने जो काम किए हैं आज से पहले किसी विधायक ने इतने काम नहीं किए हैं। आप चाहे दौसा के सड़कों की बात कर लें, ईश्वरदा के पानी को लाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया वो किसी विधायक ने नहीं किया, यहाँ तक कि केंद्र सरकार की योजना के लिए जो ERCP की योजना थी जो केंद्र सरकार के अधीन है उसको भी केंद्र सरकार पूरा नहीं कर रही है, लेकिन हमारे स्थानीय विधायक दौसा में पानी की समस्या को पूरा करने के लिए कंटिन्यू प्रयासरत है। आप देखिए, पाइपलाइनें बिछ रही हैं ईश्वरदा के लिए, दौसा के सड़कें चारों तरफ से विकास हुआ है, सड़कों का चौड़ाईकरण हुआ है, नगर परिषद के तहत राज्य सरकार के तहत लाइटें सफाई की व्यवस्थाएं माकूल हुई हैं। जहां तक अपराध की बात है, अगर हम पूरे राजस्थान प्रदेश की बात करें तो जहां जहां भाजपा प्रदेश सरकार है वहां से बहुत कम रेशो में यहां पर क्राइम रेट है, और उसके बावजूद उस क्राइम रेट के जो क्राइम रेट है उसके बावजूद जो रिजल्ट आ रहे हैं अपराध को रोकने के लिए न्याय व्यवस्था के तहत वो राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कंप्लीट हो रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार और केंद्र स्थानीय विधायक का जो काम है वो उसी से क्लियर हो जाता है कि BJP ने पहले जन आक्रोश यात्रा निकाली जो फुसफटाका साबित हुई, परिवर्तन यात्रा जो निकाल रही है वो फुसफटाका साबित हो रही है, आदमी जुटाने के लिए लोगों को फ़ोन कर करके इनको बुलाना पड़ रहा है, बरसात के माहौल के अंदर भी 50 या 100 आदमी इनके इकट्ठे हो रहे हैं, आम जनता जो मेन रोड से इनकी परिवर्तन यात्रा निकल रही है उसमें बमुश्किल 500 आदमी भी नहीं जुट पा रहे हैं इनके पास। ये हैं अधिवक्ता जिन्होंने, किसी ने कहा कि पानी यहाँ बड़ा मुद्दा है तो कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा बताया। किसी भी शहर की तरक्की के लिए कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा माना जाता है, कानून व्यवस्था वहाँ की ठीक होती है तो निश्चित रूप से वहाँ का जो निवासी है वो राहत महसूस करता है। हालाँकि कुछ अधिवक्ताओं ने विधायक के कार्यकाल को ठीक भी बताया। माइनॉरिटी समुदाय की अपनी समस्या होती है, नेता चुनाव के दौरान इनके यहाँ पहुँचते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या वो वादे पिछले 5 साल के कार्यकाल विधायक द्वारा पूरे किए गए या नहीं किए गए?